Hi student, welcome to RCI Edu Hub online classes. हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इसी कल्चर मछली पालन, मछली पालन की विधियां, मछली पालन की जो विधियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, मछलियों की सघनता के आधार पर और मछलियों की जातियों के आधार पर। सघनता का मतलब यहाँ पे है मछलियों का जो पालन करते हैं वो उस जगह पे कितनी संख्या में है, उसके आधार पर तीन भागों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है विरल मत्स्य पालन, सेकंड अर्ध सघन मत्स्य पालन, थर्ड सघन मत्स्य पालन। सबसे पहले इसमें विरल मत्स्य पालन, विरल का यहाँ पे मतलब है जो मछलियाँ जो होती हैं उनकी संख्या बहुत ही कम, इनके प्रति हेक्टेयर इनका घनत्व जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसी भी क्षेत्र में जब मछलियों का पालन कर रहे हैं तो वहाँ पे मछलियों की संख्या जो है बहुत ही कम होती है। तो विरल मत्स्य पालन में इनकी संख्या जो होती है वो 150 से 750 प्रति हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसके अंदर मछलियों की जो संख्या है वो 150 से 750 मछलियाँ होती हैं। इस प्रकार के पालन के अंदर परिश्रम जो होता है वो बहुत ही कम रहता है, आर्थिक खर्च भी बहुत कम रहता है। ऐसे आवास के अंदर मछलियों को खाद पदार्थ उर्वरक आदि नहीं दिया जाता है, तो इसलिए आर्थिक जो खर्च है वो बहुत ही कम रहता है। यानी कि प्राकृतिक जो आवास है, प्राकृतिक आवास उसके अंदर इनको पाला जाता है। भोजन के रूप में बाहर से, भोजन के रूप में बाहर से पूरक जो आहार होता है, पूरक आहार वो इनको नहीं दिया जाता। प्राकृतिक रूप से भोजन की जो जलीय आवास है उसके अंदर उपस्थित पादप और जंतु परलोक जो होते हैं, इसी के साथ में वनस्पतियां जो होती है वही ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे तिलापिया जो मछली है उसका विरल मत्स्य पालन यूरोप में किया जाता है, लेकिन अर्ध सघन मत्स्य पालन, विरल मत्स्य पालन और सघन मत्स्य पालन जो होता है उसके बीच में, यानी कि विरल के अंदर इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, सघन में संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, इन दोनों के बीच में इनकी संख्या जो है वो बीच में अगर आती है तो उसे बोलते हैं अर्ध सघन मत्स्य पालन। इसके अंदर संख्या विरल मत्स्य पालन से ज़्यादा और सघन मत्स्य पालन की मछलियाँ जो होती हैं उनसे कम होता है। अर्ध सघन में जो घनत्व होता है इनका कम होता है, ये लगभग होता है 750 से 3000 मछलियां प्रति हेक्टेयर, इसके दर से इनको पाला जाता है। ऐसे आवासों में मछलियों को पूरक आहार, यानी कि प्राकृतिक रूप से उनको जो भोजन मिलता है उसके अलावा बाहर से इनको पूरक आहार के रूप में भोजन दिया जाता है। चीन जो है उसके अंदर अर्ध सघन मत्स्य पालन जो है उसमें जलाशय जो होता है उसके अंदर पिंजरे रखे जाते हैं और पिंजरों के अंदर मछलियों को पाला जाता है। नेक्स्ट सघन मत्स्य पालन, सघन मत्स्य पालन के अंदर तो प्रति हेक्टेयर मछलियों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए उनको बांटा गया है यहाँ पे प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है उस क्षेत्र में कितनी मछलियों का पालन इसमें करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तालाब के अंदर जो पिंजरे होते हैं मछली पालन जो होता है उसमें 40 से 50 मछलियाँ प्रति मीटर वर्ग क्षेत्र में पाली जाती हैं। इसके अलावा मछली जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो उनको भंडारित किया जाता है, भंडारित जो पिंजरे होते हैं उन पिंजरों के अंदर इनकी संख्या और भी ज़्यादा होती है, 100 से 150 मछलियाँ प्रति मीटर स्क्वायर जो क्षेत्र है उसके अंदर इनको रखा जाता है। लेकिन सघन मत्स्य पालन जो है इसमें परिश्रम जो है वो ज़्यादा होता है, आर्थिक खर्च भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सघन मत्स्य पालन के अंदर आवश्यकता के अनुसार जलाशयों के अंदर भोजन दिया जाता है, जितने भोजन की आवश्यकता होती है वो वहाँ से उपलब्ध करवाया जाता है, अनुकूल वातावरण दिया जाता है। जब जलाशय के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो उस जल को बदला जाता है, जलाशय से जो आवासीय जल होता है उसको चेंज किया जाता है, दूसरा जल उसमें भरा जाता है। इस प्रकार से जल की जो मात्रा है वो उसके अंदर बढ़ाई जाती है, गंदा जल जो हो जाता है उसको चेंज किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले जो मछलियों की सघनता के आधार पर, इनकी संख्या के आधार पर जो
विधियां थी, तीन भाग हैं उनके, विरल, अर्धसघन और सघन। ये यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है सेकेंड, मछलियों की जातियों के आधार पर, यानी कि जलाशय के अंदर हम मछलियों का जो पालन कर रहे हैं वो उनकी जातियों के आधार पर किस प्रकार से पालन करते हैं, उनको भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मिश्रित पालन, पॉलीकल्चर। मिश्रित का मतलब यहाँ पे होता है कि जलाशय जो है उसके अंदर विभिन्न जातियों की मछलियों को एक साथ पालना, किसी विशेष प्रकार की जाति को ना लेकर अनेक प्रकार की जातियों की मछलियाँ लेकर उनको एक साथ अगर हम पालते हैं तो मिश्रित पालन कहलाता है, जिसमें अनेक जातियों की मछलियाँ रहती हैं। सेकेंड, इसमें एकल पालन, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर के अंदर किसी विशेष जाति की मछलियों को, कोई विशेष जो जाति है उस जाति की, एक ही जाति की मछलियों को एक साथ अगर पालते हैं तो वो एकल पालन कहलाता है। इसका उपयोग, इस विधि का उपयोग अमेरिका में किया जाता है, जहाँ पर कैट मछली जो होती है उसका एकल पालन किया जाता है। एशिया जो है उसके अंदर झींगा या फिर प्रॉन, इसका एकल पालन किया जाता है। नेक्स्ट, एकल लिंग पालन, मोनोसेक्स कल्चर। इस विधि के अंदर हम एकल जो पालन है उसमें एक ही जाति, एकल लिंग में एक ही जाति के दो सदस्य होते हैं, एक नर और एक मादा। तो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, जैसे नर की खपत ज्यादा है तो हम किसको पाल रहे हैं यहाँ पे, नर को, या फिर मादा की ज्यादा डिमांड है तो मादा को, तो उसमें से एक जाति में से भी नर और मादा को अलग अलग पाला जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोसेक्स कल्चर। और इसमें पंगेसियस जो मछली है, तो इसका एग्जाम्पल है पंगेसियस मछली जो है, उसका एकल लिंग पालन यहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, मछली पालन की विधियाँ। धन्यवाद।